गुड मॉर्निंग, वेलकम, नमस्कार, आपका स्वागत है तक्षशिला एल्बम्स की नई वीडियो में। आज आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं एक होम थिएटर में बैठा हूं जो कि एक 150 स्क्वायर यार्ड्स के विला का है। इसके डायमेंशन की अगर बात करूं तो 19x72 का इसका डायमेंशन है। लोकेशन की बात करूं तो वैशाली नगर एक्सटेंशन की प्राइम लोकेशन है ये। तो वीडियो को अपन शुरू करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ बताना चाहूँगा कि ये विला में भी होम थिएटर है 80 इंच के डिस्प्ले के साथ, प्लस इसमें एक टेरेस गार्डन होने वाला है। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिएगा जिससे आपको वीडियो की एक एक डिटेल्स पता चले कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, तो लेट्स स्टार्टेड। अपन आ गए हैं विला की बाहर की तरफ। तो ये आपका 40 फीट का रोड होने वाला है जो कि विला के आगे है, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे एक जेडी डेवलप गार्डन भी होने वाला है जो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा वेल डेवलप गार्डन दिख रहा है आपको। यहाँ से आगे चलेंगे तो ये विला नंबर 1 आ गया, विला नंबर 2 आ गया, विला नंबर 1 जो कि सोल्ड आउट है यहाँ पे। तो आगे चलेंगे तो ये विला नंबर 2 आ जाएगा जिसका पूरा एलिवेशन देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, प्लस एलिवेशन में ब्यूटिफिकेशन का काम किया हुआ है। साथ ही साथ इस ब्यूटिफिकेशन में ऐड ऑन कर रहा है इस ये गेट जो कि बहुत अच्छे से ग्लास और मेटल के कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन किया हुआ है, प्लस साथ ही साथ ये छोटी छोटी यहाँ पे बुटीक्स कितनी अच्छी लग रही है। आगे इस विला में पार्किंग आ गई जहाँ पे आपकी इजीली एक गाड़ी पार्किंग हो सकती है, प्लस यहाँ पे आपके 2-3 टू व्हीलर्स पार्क हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका एक 5,500 लीटर का टैंक आ जाएगा एवरेज साइज। प्लस विला का अगर मैं फेसिंग बताऊं तो विला का जो फेसिंग होने वाला है वो ईस्ट फेसिंग होने वाला है। तो आइए विला के अंदर चलते हैं अपन, विला के अपन अंदर चलते हैं। तो ये आपका पूरा लिविंग एरिया होने वाला है जो कि आपका 6-7 सीटर होने वाला है, प्लस फॉल सीलिंग में देखिए कितना अच्छा काम किया हुआ है चारकोल शीट्स के साथ, प्लस यहाँ पे साथ ही साथ बुद्धा का भी स्टैचू लगाया हुआ है जो कि एक बहुत अच्छा टच दे रहा है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे ये आपका मंदिर का एरिया दे दिया गया है पूरा का पूरा, जिसमें आपका सिंथेटिक मार्बल का यूज किया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। आगे चलेंगे तो ये आपका एक बड़े साइज का या बिगर साइज का आपका पूरा डाइनिंग एरिया हो गया, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा लिविंग का लिए भी बना दिया गया है। आगे इसकी किचन आ जाती है, किचन आप देखेंगे तो पूरी की पूरी बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन की हुई है, प्लस यहाँ पे आपके ये सॉफ्ट क्लोजर्स और ऑर्गेनाइजर्स के साथ में पूरी किचन हो गई। प्लस यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक्स भी दिए हुए हैं जो इजी टच और इजी क्लोजेबल है इजीली आपके, और साथ ही साथ विला में जो आपको सीपी वीसी फिटिंग्स मिलेगी या सैनिटरी फिटिंग्स मिलेगी सारी जगवार की मिलेगी। साथ ही साथ ये लिविंग एरिया डाइनिंग एरिया के साथ में ये एक पाउडर वॉशरूम हो गया जिसमें बहुत अच्छी तरीके से एक मिरर का यूज किया हुआ है, प्लस सेम जगवर की फिटिंग्स हैं। विला का सबसे पहला रूम आ जाता है आपका जो कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे साइज का विला का रूम होने वाला है। ऑन एन एवरेज आपके ये 12x14 का रूम साइज होने वाला है जो कि एक बहुत अच्छा और स्पेशियस रूम साइज होता है। साथ ही साथ ये टीवी कैबिनेट आ गया पूरा का पूरा। उसके अलावा ये आपके पीछे का वेंटिलेशन एरिया आ गया। आगे अपन चलेंगे तो ये पूरा फुल हाइटेड का इसमें ड्रेसिंग आ गया आपका, प्लस यहाँ पे आपका ये वॉशरूम या लेट बाथ आ गया आपका पूरा। साथ ही साथ इसमें एक चीज देखिए तो कितना बड़े साइज का मिरर यूज किया हुआ है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा जो फिटिंग्स यूज की हुई है सैनिटरी की फिटिंग्स वो जगवार की है। विला की अगर मैं साइज की बात करूं तो 19x72 का इसका डायमेंशन होने वाला है, 19x72 का इसका डायमेंशन होने वाला है। टोटल जो साइज होने साइज है वो इसका 150 गज का है। अब आगे अपन चल रहे हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर में आपका सेम यहाँ पे लिविंग एरिया बनाया गया है, या लिविंग या लॉन्ज एरिया कह सकते हैं, प्लस साथ ही साथ कितना अच्छा शैंडलियर भी यूज किया हुआ है यहाँ पे।
आगे अपन चलते हैं तो इसका रूम नंबर 2 आ जाता है, जिसमें बढ़िया सा मास्टर सीट बनाई हुई है, जहाँ पे आप इजीली ऐसे आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। प्लस वहाँ पे आपका बेड आ चुका है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका स्टडी टेबल या फिर वर्क स्टेशन आ गया आपका पूरा। साथ ही साथ वेंटिलेशन के लिए अगर आप देखेंगे तो कितनी अच्छी बालकनी दी है बिल्डर ने, इसमें बढ़िया स्पेशियस बालकनी है। प्लस सामने का आप एरिया देखिए तो एकदम बढ़िया एरिया है, शांत। आइए, आगे अपन चलते हैं इसके बाथरूम की तरफ। तो इसमें भी सेम फुल हाइट की आपकी वार्डरोब्स आ गई पूरी की पूरी। प्लस यहाँ पे एक बहुत अच्छे साइज का मिरर दिया हुआ है ड्रेसिंग का। प्लस यहाँ पे इसका आप ये बाथरूम देख सकते हैं, इसमें भी कितना अच्छा मिरर दिया हुआ है, देखिए। बाकी आपका ये पूरा बाथरूम होने वाला है। आइए अब चलते हैं इस विला के मास्टर बेडरूम की तरफ, जिसका साइज अगेन 15 बाय 12 के एवरेज का होने वाला है। फ्लोरिंग जो है आपकी वुडन फ्लोरिंग है पूरी की पूरी। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे आपका वेंटिलेशन दिया हुआ है। प्लस टीवी कैबिनेट को भी कितना अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ आप देखिए। उसके अलावा अपन आगे चलेंगे ड्रेसिंग में, तो आपकी फुल हाइट की वार्डरोब्स आ गई पूरी की पूरी। प्लस गेट के पीछे आपका मिरर हो गया। उसके अलावा आगे चलेंगे, जो कि इस बाथरूम में सबसे अच्छी चीज की गई है, वो हिज और हर का आपका वॉश बेसन हो गया। प्लस एक अच्छे साइज का मिरर हो गया पूरा का पूरा। प्लस आपका ये लेट बाथ का साइज हो गया, जिसमें अगेन आपकी ये शावर पार्टीशन आ चुका है, जिसमें आपका वेट एरिया अलग हो गया और ड्राई एरिया अलग हो गया। आइए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बेहतरीन चीज दिखाई थी, जो कि आजकल मेरे ऑलमोस्ट हर विला में हो रही है, तो मैं आपको इस विला में भी ढंग से वो चीज दिखाना चाहूंगा। उससे पहले ये आपका एक छोटा सा लिविंग एरिया हो गया इस विला का, जो कि तीसरा लिविंग एरिया हो गया। प्लस सबसे अच्छी चीज इस विला में वो बेसिकली आपका ये पूरा का पूरा होम थिएटर हो गया, जिसमें आपकी रिक्लाइनर सीट्स है सारी की सारी। आप देख सकते हैं ये वाली मैंने ऑलरेडी रिक्लाइन कर रखी है, प्लस ये भी धीरे धीरे रिक्लाइन हो रही है, आप देखिए। आगे अपन चलेंगे उस विला में, तो यहाँ पे आपका एक लेट बाथ दे दिया गया कि आपको नीचे नहीं जाना पड़े इनकेस अगर आप ऊपर वाले एरिया में हैं तो। प्लस एक इस विला में अच्छा सा आपका ऊपर गजीबोज बनाए हुए हैं, और प्लस बैठने के लिए यहाँ पे सिटिंग दी गई है। प्लस साथ ही साथ आपको इस विला में अगर कुछ इंजॉय करना है, रात में पार्टी करनी है या हैप्पी टाइम स्पेंड करना है अपनी फैमिली के साथ, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक मिनी किचन दिया हुआ है। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे टैप दिया हुआ है कुछ भी कुक करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने पूरी वीडियो को देखा और अपना प्रीशियस टाइम निकाला इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।